नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छी होंगे। यदि आप अपने लिए रिश्ते की तलाश कर रहे हैं या आप अपने भाई या बेटे के लिए रिश्ते की तलाश कर रहे हैं और कई जगह से आप रिश्ते की तलाश कर चुके हैं मगर कहीं से भी आपके रिश्ते की बात वगैरह नहीं बन पा रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर ऐसी लड़कियों के बायोडाटा पब्लिश किए जाते हैं जो कि बहुत गरीब हैं, जिनका तलाक हो गया है, विधवा है और जिन्हें रिश्ते की बहुत ही ज़रूरत रहती है। ऐसे बायोडाटा हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिश किए जाते हैं। तो आज हमें जिन्होंने अपना प्रोफाइल भेजा हुआ है, ये तलाकशुदा वधू का प्रोफाइल, तो यदि आप इनके बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली हैं, क्या करती हैं और पहली शादी में क्या हुआ है, तो आप इनके प्रोफाइल को पूरा देखें ताकि आपको इनके बारे में जानकारी मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप ये फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं, इन मैम का नाम अनन्या शर्मा है, उम्र इनकी 33 वर्ष है, हाइट इनकी 4 फीट 11 इंच है, पढ़ाई वगैरह इन्होंने 9वीं तक की हुई है, ज़्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं की है। इनके घर परिवार में माता पिता हैं और 2 भाई हैं इनके। इनके पिताजी हैं तो वो काम वगैरह नहीं करते हैं, इनके भाई हैं तो इनके भाई मजदूरी करते हैं। इन्होंने बताया है कि इनकी जो पहले शादी हुई थी तो तलाक हो गया है, बच्चे वगैरह नहीं हैं, इनके पति इनसे मतलब वगैरह नहीं रखते थे और इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे, तो इस वजह से इन्होंने तलाक ले लिया है। इनका कहना है कि ये आप दोबारा घर बसाना चाहती हैं, तो इन्हें अपने लिए ऐसे जीवन साथी की तलाश है जो कि इनका हमेशा साथ दे सके, बाकी रिश्ते वगैरह इनको कहीं से भी चलेंगे। जाति बंधन वगैरह नहीं, किसी भी जाति में ही शादी कर लेंगी। यदि आप विधुर हैं, तलाकशुदा हैं और आपके बच्चे वगैरह हैं तो ये रिश्ता करने के लिए तैयार हैं और बच्चों को भी स्वीकार कर लेंगी और उनकी अच्छे से परवरिश करेंगी और उन्हें माँ का प्यार देंगी, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहने देंगी बच्चों को। तो यदि आपको इनका प्रोफाइल वगैरह पसंद है और आप इन्हें अपनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इन तक आपका बायोडाटा पहुँच सके, तो आप इसी तरह अपना बायोडाटा बनवा सकते हैं। बायोडाटा बनवाने के लिए संपर्क करें।